महान्यायवादी या मैं कहूँ इसे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, भाग 5 और भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है। और ये हमने ग्रहण कहाँ से किया है? ये हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन्स। भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। अब इससे बनने वाले जो सवाल हैं वो हमसे पूछना है कि बताइए भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी या कहे कि भारत सरकार का वकील कौन है? भारत के महान्यायवादी जो कि भाग 5 में हैं, आर्टिकल 76 में हैं और इसे भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है और ये भारत सरकार के वकील हैं। और इसकी नियुक्ति आप सब जानते हैं, कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति। अब अगला सवाल हमसे पूछ लेगा कि बताइए महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होगी, किस व्यक्ति को आप महान्यायवादी बनाओगे? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य कैसा व्यक्ति हो? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति अर्थात कागजी योग्यता कहूँ कि 10 वर्ष वकालत, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री की नज़र में वह व्यक्ति कानून का बहुत ही अच्छा जानकार हो, यानी बहुत ही अच्छा कानूनविद हो जिसे सुप्रीम कोर्ट में और अच्छा अनुभव है और कानून के बारे में विस्तार से जानता है उस व्यक्ति को, और प्रधानमंत्री जिस दल के हैं वो उस दल को सपोर्ट करने वाले हों। कहने का तात्पर्य प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाएगा। ऐसे तो 10 साल वकालत हर किसी को हो गई, होने को मैं भी लो हूँ 2004 का, लेकिन ऐसे हर किसी को अटॉर्नी जनरल नहीं बनाया जाएगा। अब आपसे पूछे कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है, कि बताइए महान्यायवादी का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत का न्यायालय क्षेत्र, संपूर्ण भारत का न्यायालयी क्षेत्र। संपूर्ण भारत के न्यायालय क्षेत्र का मतलब है एक सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट। जहाँ जहाँ आप भारत सरकार को चैलेंज करेंगे वहाँ वहाँ ये वकालतकर्ता पाया जाएगा भारत सरकार की ओर से, क्योंकि है ही क्या भारत सरकार का वकील। अब यदि आपसे पूछे कि इसका कार्यकाल क्या है, ध्यान रखना कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर
ऑफ द प्रेजिडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? अनिश्चित, अर्थात सरकार के अस्तित्व तक, सरकार के अस्तित्व तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अनिश्चित सरकार के अस्तित्व तक ये काम करेगा। सरकार के साथ ही अटॉर्नी जनरल आता है और सरकार के साथ ही चला जाता है। नई सरकार आएगी, वो अपना नया अटॉर्नी जनरल लेकर के आएगी। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह एवं पैरवी, न्यायालय में पैरवी करेंगे। संसद की बैठक भाग तो ले सकते हैं, भाग तो ले सकते हैं, लेकिन मत वोट नहीं दे सकते। ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल 88 कहता है कि अटॉर्नी जनरल संसद की बैठक में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट उनको नहीं होगा, क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं हैं। वो क्या हैं? वो वकील हैं। इस वजह से वो भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। हमसे पूछे कि हमारे प्रथम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़, और वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। वर्तमान पे ध्यान रखना, कभी भी कोई वर्तमान पदाधिकारी इस्तीफा दे दे तो उसकी जगह जो भी नया पदाधिकारी आए उसको आप अपडेट कर देंगे। अतः पुनः एक बार मैं इसका रिवीजन कराता हूँ आपको। देखिए, भारत का महान्यायवादी और इसका पद भारतीय संविधान के भाग 5 में है, आर्टिकल 76 में है, और ये पद हमने ग्रहण कहाँ से किया है? ब्रिटेन से। इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, प्रथम विधि अधिकारी हैं, और ये भारत सरकार के क्या हैं? वकील हैं। अतः तीन सवाल बन रहे हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का वकील कौन है? यदि आपसे पूछे कि योग्यता, तो योग्यता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति, न कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो। न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल नहीं बनेगा, वकील कोटे से बनाया जाएगा अटॉर्नी जनरल। कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत का न्यायालय क्षेत्र, जहां जहां हम इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती दे सकते हैं, और दूसरी जगह कहाँ दे सकते हैं? 25 हमारे हैं हाई कोर्ट, क्योंकि इन्हीं के जुरिस्डिक्शन में भारत सरकार का को मामले आते हैं, लोअर कोर्ट में नहीं। कार्यकाल पूछे तो प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब क्या है? कोई निश्चितता नहीं है कि ये 2 साल काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे। वास्तव में तो प्रधानमंत्री की इच्छा है जब तक वो इस पद पे रखना चाहे। इसका मतलब है इसका कार्यकाल क्या है? अनिश्चित है, और सरकार के साथ ही आता है, सरकार के साथ ही चला जाता है। इट मीन्स सरकार के अस्तित्व तक ये पद पर बना रहेगा। कार्य क्या करेगा? भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा और पैरवी करेगा। पैरवी करने का मतलब
भारत सरकार को डिफेंड करना है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, बचाव करेगा भारत सरकार का, भारत सरकार की तरफ से जवाब पेश करना है। क्या ये संसद की बैठक में भाग ले सकता है? यस, भाग तो ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। कारण, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में भाग लेने की अनुमति तो देता है लेकिन उसे वोटिंग राइट नहीं देता? वो आर्टिकल 88 है। इसी में मंत्री का भी मामला है। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो किसी भी सदन में बैठ तो सकते हैं लेकिन वोट वो अपने सदन में आकर के देंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसका एक सहयोगी और होता है अटॉर्नी जनरल का, और वो सहयोगी होता है भारत का महाधिवक्ता। भारत का महाधिवक्ता, और जिसे कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल के क्या हैं? सहयोगी हैं। और इस अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, ध्यान रखना, 3 वर्ष के लिए। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 3 साल के लिए कौन करता है? विधि मंत्रालय करता है, विधि मंत्रालय, न कि राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन भारत के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, और इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है? 3 साल के लिए। ये अटॉर्नी जनरल के सहयोगी हैं। एजी लिख दिया है शॉर्ट में मैंने, अटॉर्नी जनरल के सहयोगी। अब हमसे पूछे कि प्रथम फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो सी के दफ्तरी थे। सी के दफ्तरी हमारे फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, और वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। अतः मित्रों, हमने जाना कि महान्यायवादी से संबंधित कौन कौन से सवाल हमसे पूछ सकता है। आप इसी तरह से ध्यान मग्न होकर के और पढ़ते रहें और लिखते रहें, समझते रहें, और इस चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें।